नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर सिद्धार्थनगर की है, जहां एक मां ने मानवता को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया। नवजात बच्चे को एक खाली जगह पर ले जाकर मिट्टी में गाड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वही बात इस बच्चे के साथ भी हुई और एक मां ने इसे अपने आंचल में जगह दे दी। दिल दहला देने वाला यह मामला जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के निपनिया गांव का है। गांव के बाहर मिट्टी के नीचे किसी ने जिंदा नवजात को दबा दिया था। यहां मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। इस दौरान लोगों ने देखा कि कपड़ा दिखाई दे रहा है। थोड़ा पास जाकर देखा तो कपड़े के ऊपर से मिट्टी भी हटाया तो पता लगा कि कोई नवजात बच्चा अंदर है। आवाज देने पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर बाद ही लक्ष्मी नाम की एक महिला वहां पहुंच गई और उसने इस बच्चे को अपने आंचल में जगह दे दी। इस घटना से पूरे इलाके के लोग हैरान हैं। उन्हें यह भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कैसे कोई माँ अपने बच्चे को जिंदा इस तरीके से मिट्टी में गाड़ सकती है। स्थानीय लोग जहां एक और गुमनाम माँ की इस हरकत से बेहद खफा हैं, तो वहीं लक्ष्मी को इस बच्चे के अपनाने के बाद सब वाहवाही कर रहे हैं और बेहद बधाई दे रहे हैं। पति का क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? निपनिया। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला और किस हालत में मिला? अच्छा, मिट्टी नीचे दबा हुआ था। तो आपको कैसे मिला ये बच्चा? वही उठा के लाए, मैंने तेल पानी खा लाए, ये अपना देखा खा लाए। तो इस बच्चे को क्या करेंगे आप? पालेंगे? मामले की छानबीन पुलिस करेगी। फिलहाल बच्चा हमारे पास पहुंच गया है और बच्चा जितना हमने एग्जामिनेशन किया बच्चा बेहतर है, लेकिन अभी थोड़ा सा फीड नहीं कर पा रहा है। वो तो हो सकता है काफ़ी देर तक मिट्टी में रहने की वजह से ग्लूकोज की कमी हो या कुछ इस तरह की समस्या हो, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन वगैरह दिया जा रहा है, बाकी आगे जैसा होगा। श्रावस्ती जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ दिन पहले ही गाँव लौटा एक व्यक्ति की मौत मंदिर के पीछे पाई गई। बताया जा रहा है इस व्यक्ति की मौत गला रेत कर की गई है। घटना श्रावस्ती जनपद के थाना मलिहापुर क्षेत्र के वीरवल कट्टी का है, जहां पर मंदिर परिसर में करीब 40 वर्षीय युवक फूलचंद निवासी ओरीपुरवा की खून से लथपथ लाश मिली, जिसके चलते गला रेत कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक के ऊपर दो दिन पूर्व ही प्राण घातक हमला हो चुका। बुधवार देर रात करीब 11 बजे युवक अचानक से कहीं गायब हो गया। परिजनों के द्वारा खोजबीन करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। वहीं सुबह बाघ की रखवाली करने गए आसपास के लोगों ने देखा कि मंदिर परिसर में खून से लथपथ युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस थाना मलिपुर और सोनावा पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया यह शव। एसएसपी और क्राइम ब्रांच टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गुरुवार सुबह आग लग गई। आग लगने की खबर सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। 6 बजे के आसपास हम लोगों को मतलब सूचना मिली थी कि यहां पर जो आग लगी हुई है, ये आर्ट गैलरी जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे भी जो है आर्ट गैलरी है मैक्सिमम जो है, तो इसमें आग लगी थी। तो हमारे जो 6 से 7 फायर टेंडर जो है हमने यहाँ पर लगाए हैं और 3-4 तरफ से जो है मतलब अप्रोच किया है। तब आग बुझी तो 3.5-3 घंटे के आसपास मतलब लगे हैं इसको करने के लिए। अब क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हैं, आप लोग बताएं, अब तो धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, तो अब इसके क्या कारण रहे हैं तो अभी देखने के बाद ही थोड़ा अभी एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाए साइड जो है, तो एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या कारण रहा है फिर देखने का। वहीं बड़ी खबर फरुखाबाद से, जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग। दबंगों की फायरिंग से मोहल्ले में दहशत का माहौल। दबंगों ने घर पर चढ़कर कई राउंड फायरिंग की है। बता दें फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। दबंगों ने फायरिंग के बाद एक युवक को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। थाना अध्यक्ष की नाकामी से दबंगों के हौसले बुलंद हो गए। थाना कमल क्षेत्र के इंदिरा नगर का है। बता दें पूरा मामला कमाल नगर क्षेत्र के इंदिरा नगर का है। यहाँ फायरिंग किसके द्वारा फायरिंग हो, किन्ने फायरिंग करी है? फायरिंग राजू ने करी है, सुरेश की लड़का ने करी है, सुरेश भैया ने करी है। विवाद क्या था? विवाद जमीनी विवाद था। तो कितने लोग फायरिंग करने वाले थे? 30-40 रात में फायरिंग करी है। हाँ। पुलिस आई मौके पर? पुलिस मौके पर आई, तब तक तो जो है उनको काम करके चले गए, बाद में आई पुलिस।
पूरे देश के साथ साथ एटा में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। बता दें आज 6 नए मामले दर्ज किए गए और कुल मिलाकर अब एटा जिले में 23 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। पीली मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढांग गिरने से हुई छात्रा की मौत। 3 सहेलियों के साथ तालाब किनारे मिट्टी लेने गई थी छात्रा। बता दें यह पूरा मामला बरेली जिले का है। शराब ठेके के सामने महिलाओं ने लगाया जाम। महिलाएं शराब को लेकर कर रही हैं विरोध। महिलाओं ने शराब के कारण घर के आदमियों पर ट्रेवर व अनाज बेचकर शराब पीने पर लगाया है आरोप। शराब के लिए मना करने पर करते हैं मारपीट। आक्रोशित महिलाओं ने गांव से ठेका हटाए जाने की मांग की है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और महिलाओं को डंडा लेकर खदेड़ा। जो प्रदर्शन किया है किस समस्या को लेकर किया है? ठेका बंद करने के लिए। क्या बात हुई? अरे घर में पीपी के मारे दंगा मचा दे का खेत मरिया बहू बिक जाए। नाज बेचत ला बा बेचत नाज बेचन मत बहू का मत आधी आधी रात ले पूरी पूरी रात ले कुर रे मैं आजा तो जाने लड़ाई तो बादल लड़ाई इनका जीते के बारे में बंद कर दे ने बंदे ना करो आगी लगा आगी लगा आज गाड़ी में चाय लड़के जाने ले रोज घन गाना जाना। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एबीसी टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।